सुबह का टाइम है और मैं अभी क्या है चाय पी रही हूँ और चाय क्या आज बहुत ज़्यादा आज मैं लगभग 9 बजे तक उठती हूँ जस्ट अभी उठी हूँ मम्मी भी इधर कुछ कर रही है बाहर में तेल लगा रही है और बेबी जो बॉडी मसाज हो चुका है वो भी अभी खेल रहा है उसको मिट्टी लगने लगती है और पूरे टाइम अपने नाना को देखता रहता है पूरे टाइम देखता रहता है नाने को और पूरे टाइम देखता रहता है वैसे हंसता रहता है गाइस पूरे टाइम हंसता रहता है मुझे देख के नहीं हंसता केवल नाना नानी इन दोनों को देख के हंसता रहता है और मम्मी टोस्ट भी लेके आई थी मुझे टोस्ट को मन नहीं खाने का तो दिखाते हैं अभी वहाँ पे क्या चल रहा है वहाँ का वीडियोस वगैरह गाइस अभी उठने के बाद में पता पड़ा है कि अभी पापा गए हैं अभी बाहर से नाश्ता लेने के लिए तो बताती हूँ क्या क्या नाश्ता है अभी वहाँ पर अक्षय जी तो सैंडविच और सैंडविच में ही निकाल रहे हैं और इधर मेरे तो क्या यहाँ पे छप्पन भोग वाले दिन निकल रहे हैं तो अभी यही है कि देखते हैं क्या बन रहा है क्या लेके आते हैं पापा और शायद आज संडे है तो कुछ स्पेशल बनेगा और ये जो है बन रहा है कोको के खाना हाँ? तो आपको कोको खाना जो है बना के खिला दिया जाएगा खाना बनाने लगे ना कोको यार हाँ? अब जो है कोको की होने वाली है घर के अंदर वापसी उसको घर में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है कभी भी इधर आ जाओ कोको चलो अब घर चलो अब उसके साथ बाद में खेलना आ जा नो कोको नो नो तो मैं लेके आता हूँ दूध जाके और
ये आ गया है दूध। ओह अब इसका सीधा बनेगा कॉफी। ये कोको का खाना पहले से चढ़ा हुआ ही था, ये दूध में लेके आ गया हूँ। और ओ मई को मुझे बर्तन भी धोना पड़ेगा। सोचो बीवी तो भाग जाते माँ बाप के पास, अब हमको जो है कि इंतजार करना पड़ेगा काम, बर्तन भी धोना पड़ेगा। ये दूध जो है गर्म चढ़ गया है, ये कोको का खाना थोड़ी देर में, और इधर मैंने बनेगी कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ डाल देते हैं आज, जो कि है ये। इससे थोड़ा सा जो है टेस्ट का मजा आ जाएगा। आज जो हमारी कॉफी है वो बनेगी चॉकलेट कॉफी। तो आज अक्षय जो है सुबह सुबह पिएगा चॉकलेट कॉफी, दूध गर्म होते ही दूध डालेंगे उसमें। बाहर से और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, आपको मेरे दिख रहे होंगे गाल एकदम और फूल गए घर पर रहके। और गाल फूलने का रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, रीज़न ये मैं सो बहुत ज़्यादा रही हूँ। मेरे क्या बैक पेन हो गया ना, तो मैं ज़्यादा सो नहीं पाती थी वहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा मेरे नींद वींद पूरा तो हो रहा है, बाकी फिर भी मैं पूरा दिन सो नहीं पाती हूँ, मतलब मन नहीं करता। तो मुझे शायद आज से ये चीज़ वापस करना पड़ेगा। और बस वेट ही कर रही हूँ कि नाश्ता आएगा और नाश्ता खाएंगे, क्योंकि मुझे आज भूख तो यूँ ज़्यादा नहीं लगी है, बाकी नाश्ता में बाहर से बाहर वाला नाश्ता बहुत टाइम हो गया खाए हुए। और भूख चूँकि क्या है थोड़ा गैस हो गया है पेट, गैस मतलब इसका कॉलिक का प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर बोले ये सारे बच्चों के अंदर होता है, तो इसमें क्या आप लोग ज़्यादा। ये मेरे टैटू कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये कैप्चर नहीं हो रहा है क्या। नहीं हो रहा कोई बात नहीं। तो गाना भी चल रहा है पीछे, और यहाँ पे पुच्छू जी जो है ये भी सो रहा है। इसको मैंने डायपर पहनाना बंद करवा दी है, क्योंकि इसके मुझे ऐसा लग रहा है बिना डायपर से क्या रैसेस वगैरह की दिक्कत होती है, तो मैं खाली रात को ही लगाती हूँ, क्योंकि रात को इसका भी नींद खराब होता है हर दो घंटे में और हर एक घंटे में, इसलिए मैंने डायपर बंद करवा दी है। और गाना चल रहा है इधर, गाना को म्यूट कर देंगे अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। सो ये है अभी डायपर मैंने बंद करवा दिए इसके। इसके क्या है कि अब मुझे किसी ने बोला कि अब रोज़ रैशेस क्रीम लगा के फिर डायपर पहनो, तो मैंने रैशेस क्रीम तो मंगवा दिया है, वो शायद एक दो दिन में आ जाएगा, तो उसका मैं रिव्यू दे दूँगी आप लोगों को। और मैंने ना कैरी बैग जो मंगवाया था वो मैंने रिटर्न करवा दी, और रिफंड भी आ गया उसका। अभी मैंने दूसरा कैरी बैग मंगवाया, शायद वो मुझे थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा मिल जाए। जो पुराना मंगाया था वो इतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था, मॉम्स प्राइड का ही था बाकी इतना अच्छा नहीं था। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको भी चेंज करवा, अभी मतलब आज 11-12 बजे तक वो डिलीवरी आ जाएगा उसका। और क्योंकि डायपर पहनाने से पहले मैं आजकल घर का होममेड जो नारियल तेल होता है ना ऑर्गेनिक, वो यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या है उसका जो है बम जो है थोड़ा ऑयली रहता है, और मतलब ड्राई होके उसमें कुछ मतलब रैशेस वगैरह नहीं आएंगे। बाकी बस अब नाश्ता आ जाए, आप लोगों के साथ नाश्ता शेयर करती हूँ। और ये मेरा मैंने दो तीन पीस खा लिए, और ये मेरे नाश्ता है सुबह का, बड़े आलू बड़े और ये गुलगुला, और मूढ़ी ला रही मम्मी। और आज इट इज़ मेरे इधर चल रहा है कार्टून चैनल, और इधर पुच्चू जी जो है इनको है, अब इनको ना नीचे नहीं सोना, गोदी में सोना है। हैं पुच्चू अब गोदी में सोना है, छो जाओ। अभी मैं आपको होम रेमेडीज़ बताती हूँ। होम रेमेडीज़ में मेरे पास में ये है प्योर घर का नारियल तेल, कोकोनट ऑयल ले लेंगे, फिर
इसमें लेंगे हम एलोवेरा के जेल, खूब सारा नहीं, जरूरी नहीं है खूब सारा लो, आपके पास मसाज करने के लिए काफ़ी सारा टाइम है तो आप ले सकते हो। तो ये कंसिस्टेंसी इसका ऐसा रहना चाहिए जब अपन ले रहे तो, बट अभी अपन जैसे इसको करेंगे ना मिक्स करेंगे तो इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। गाइस अभी इसका जो है ना थिकनेस ऐसा होना चाहिए, फिर क्रीम हो जाएगा, क्रीम जैसा टेक्सचर हो जाएगा। इसको आप फेस पे लगा दो, मैं शायद लगभग आप मान के चलो काफ़ी टाइम बाद में ये लगा रही हूँ। मेरे क्या है थोड़ा, मैं जैसे थोड़ा सा मन ख़राब होता है ना, जैसे मैं आप मान लीजिए थोड़ा मुझे मूड ख़राब हो गया तो मैं फिर टाइम पास करने के लिए यही सब चीज़ें करती हूँ ताकि मेरे टाइम पास हो जाए। तो ये ले लेने का और फिर मसाज करने का, आप पूरा फेस पे इसको मसाज कर सकते हो और इससे कोई रिजल्ट नहीं आता। बस आपको मेंटली हेल्दी रहना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। मैं ये करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस चाहिए होती है, थोड़ा मतलब मान लीजिए मैं कभी कभी डाउन जाती हूँ, अब सबकी लाइफ में अप डाउंस आते हैं तो कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। हारमोन्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने से भी बोलते हैं कि हारमोन्स चेंज होते हैं, सो इसलिए। और पुच्चू बड़ा हो जाएगा तो पुच्चू को भी ये सब चीज़ें सिखाऊंगी, जो लड़कों वाला जो होगा ना होम रेमिडीज, क्योंकि पुच्चू के पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें करना, मुझे पसंद है तो मैं करूँगी तो पुच्चू को भी सिखाऊंगी। पुच्चू होगा तो मम्माज बॉय 16 ईयर्स तक, 16 साल तक मम्माज बॉय होके रहेगा, 16 साल के बाद में वो मम्माज बॉयज़ नहीं होगा, फिर गर्लफ्रेंड्स बॉयज़ होगा, फिर उसके बाद में वो होगा वाइफ बॉय, ऐसे ही चलता है और क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने कुछ ऑर्डर मंगाया था, अब इसका पता नहीं पड़ पा रहा है इसके अंदर क्या है, तो अभी क्या हम देखेंगे इसको, रिव्यू करेंगे। ये मैंने मंगा लिया और ये शायद क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट मुझे साइज में थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी इसमें पूछू कंफर्टेबल है, अच्छा खासा कंफर्टेबल है। ये थोड़ा सा क्या है रेट वाइज भी सही है और क्वालिटी वाइज भी मुझे सही लगा। अब आप लोग क्या है इसको थोड़ा सा जरूर से देख लीजिए कैसा लग रहा है। ये और ये ऐसा है और बहुत ही क्वालिटी वाइज सही लगा मुझे थोड़ा सा, ये भी कंफर्टेबल है, दूसरे वाले में क्या कंफर्टेबल इतना नहीं, और बैक सपोर्ट भी अच्छा खासा है इसमें, बैक सपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो ये गाइस ये थोड़ा मुझे क्या इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगा। तो गाइज अभी ये मम्मी ने ये ऐसे कर दिया है और देखो ये कितना आराम से यहाँ पे, और इसका क्वालिटी मैं बताऊँ मॉम्स राइट का है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं दे रही हूँ, बस इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हैं। फोटो नहीं दे छड़ी ना? नहीं नहीं फोटो तो अलग से किया है। तो ये ऐसा है और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है।